यार वाले में देखते हैं कि नेविगेशन बार में हम अपने डिफरेंट टैब्स हम कैसे ऐड करते हैं। पहले हमने वैसे देखे थे, आज ये हमारा एक दफ़ा रिवीजन भी जाएगा इसका। अगर हमने यहाँ पर अपना शॉप नाउ का बटन हमने ऐड करना है, हम चाह रहे हैं हमारी कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और उसको हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के होम पेज पे नेविगेशन बार में, वो हम कैसे करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही हैं। सबसे पहले देखें, आपने कैटेगरी क्रिएट कर लेनी है। मैं यहाँ पर कुछ कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ। राइट क्लिक, ओपन न्यू टैब, देखता हूँ कैटेगरीज कौन कौन सी है मेरे पास। मैंस की ऐसे, चले नाइकी के मेरे पास कैटेगरी, ये जितनी प्रोडक्ट्स है ना नाइकी, इनको मैं मूव करवा के नाइकी कैटेगरी में डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर एडिट पे लगी गई इस प्रोडक्ट को, मैं इस प्रोडक्ट की मैंने कैटेगरी चेंज करनी है। ये आ गई नई कैटेगरी, मैंने यहाँ पे लगाया वो वन से हटाया, उसको कर दिया अपडेट। ये कंटेंट अगर अदर लैंग्वेज में रिमूव करना चाह रहे हैं आप उसको रिमूव कर सकते हैं। मुझे कंटेंट है ये डिस्क्रिप्शन में। तो ये कंटेंट है, कंटेंट को हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हमने नाइकी कैटेगरी पे चेक लगा दिया, पहले ये था वुमेन पे, अब इसको मैंने कर दिया यहाँ से अगेन अपडेट। ठीक है, दोबारा इन सारी प्रोडक्ट को मैं कहाँ मूव करवा दूंगा, नाइकी कैटेगरी में। एडिट पे क्लिक किया, एडिट, उसके बाद फिर हम बनाएंगे अपना नेविगेशन बार। ये कुछ ही प्रोडक्ट एक साथ का ऑप्शन देख लेता हूँ मैं, इसमें है या नहीं है। वो फ्रूट रश का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे वो कैटेगरी दे नहीं रहा। ठीक है, अदर लैंग्वेज है, कंटेंट है, एक्स्ट्रा कंटेंट है, जो भी है रिमूव किया है, यहाँ से चल रहा है अपडेट। अरे हमने रोबोट डॉट टी एक्स लगा दिया, हमें किस बात की टेंशन। अगेन और अपडेट, ठीक है। अब हम खोल लेते हैं ये वाली प्रोडक्ट, राइट क्लिक, ओपन। इसकी कैटेगरी में कुछ चार पांच प्रोडक्ट आ चुके होंगे। ठीक है, पांच प्रोडक्ट आ गए, पहले तो एक भी प्रोडक्ट नहीं आ रही थी, लेकिन अब फाइव प्रोडक्ट्स आ गए। अच्छा, फर्दर इसको करना है क्या है इसके साथ। नेविगेशन बार में हमने अपना नाइकी कैटेगरी को ऐड करना है, तो हम आ जाएंगे नीचे थोड़ा सा अपेयरेंस, अपेयरेंस के अंदर आ रहे हैं मेन्यूज, मेन्यूज का टैब। आप न्यू टैब को खोल लेंगे, न्यू टैब को खोल लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देखें नाइकी कैटेगरी आ रही है, नहीं आ रही है, वी ऑल में देखें। कस्टम लिंक में चले आता हूँ, अपना कस्टम लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। कॉपी किया इस लिंक को, यहाँ को क्रिएट कर देता हूँ। आएगी एक मिनट, हाँ सर, ये कैटेगरी है कस्टम लिंक, मैंने अपना यूआरएल डाला है, आप लिख दो टू मेन्यू। ठीक है, सबसे आखिर में आ जाएगा ये, आ गया। इसको मैं उठा के ऊपर ले आता हूँ, मैं ऊपर मूव करवा देता हूँ। ये आ गया, और ये अपडेट। ठीक है, अब मैं नेविगेशन बार पे आके अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पे नाइकी भी नजर आएगा। आ गया नाइकी। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बटन आए, उसके उस पर लिखा हुआ हो अपना शॉप और उसके नीचे भी नाइकी एडिडास वगैरह लिखे हुए आ रहे हो,
तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज क्रिएट करते हैं कि एडास नाइकी एडास गुची पुमा और ये कैटेगरी सही है। अच्छा मेन्यूज के अंदर में आ गया, मेन्यूज के अंदर है हमारे पास, फिर अगर एडिडास दे दो कस्टम लिंक एडिडास ऐड टू मेन्यू। अच्छा शॉप नाउ कोई बटन हमने ऐड करना है तो वो कैसे ऐड करेंगे अभी तुम देख लेते हैं। शॉप नाउ, शॉप नाउ ये तो आ गया यहाँ पे। हम यहाँ पर एक और थीम वो कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे शॉप नाउ की, सिर्फ शॉप की, शॉप शॉप कैटेगरी या भी यहाँ पर हम आए थे अपने वापस कस्टम लिंक की तरफ। शॉप एड टू मेन्यू ये रखा हमने ऊपर, एडिडास कर दिया इसके नीचे। एडिडास शॉप को पूरा उठा के लेके गए, पूरा एज इट इज उठा के आइए। अप्लाई नाइकी क्या था एडिडास 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 को उठा के हमने इसको नाम दिया। ठीक है भाई अप्लाई। ये हो गया, वापस हम वेबसाइट पे आएंगे और ये हमारे पास रिफ्रेश। तो सर्विसेज न्यूज़ कस्टम लिंक, कस्टम लिंक की के एडिंग आ रही है यहाँ पर। कस्टम लिंक की एडिंग हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए शॉप की एडिंग। यार कस्टम लिंक, कस्टम लिंक के अंदर भी अपडेट हो गया। शॉप, शॉप के अंदर भी फर्दर ये तीन प्रोडक्ट्स आ गए। मजीद आप अपडेट करते जाएंगे, इसके नीचे तो आते जाएंगे। अच्छा इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक आ रही है, आपके पास भी ऑप्शन है, आप ये काम भी कर सकते हैं थीम ऑप्शंस वगैरह में जाकर। ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा कि नेविगेशन बार हम कैसे अपडेट करते हैं, कहाँ से अपडेट करते हैं। वर्डप्रेस लॉगिन किया अपीयरेंस में, अपीयरेंस में आने के बाद मेन्यूज में जाके हम उसको अपडेट करते हैं।